जय सियाराम, जय हनुमान। तो मित्रों, ये है हनुमंत धाम मंदिर लखनऊ का। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, अंदर बहुत प्यारा गुंबद दिख रहा है और यहाँ से महादेव के शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। मैं से मैं ऑन रोड कराऊँ तो मित्रों, से पहले कि मैं अंदर लेके जाऊँ दर्शन कराऊँ, जो भी पहली बार मुझे देख रहा है इसे मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक और रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग पर चकाचक मेरे साथ अपडेट रहें। मंदिर के भीतर मेरे साथ मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने साथ। जय सियाराम, जय हनुमान। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर मार्बल का पत्थर है। प्लीज टेक केयर योर वैल्यूएबल बिलोंग्स। प्राचीन हनुमान मंदिर जाने का रास्ता है। अरे वाह, कितना प्यारा सुंदर भव्य मंदिर है। भक्तजन आ रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं और ये देखिए क्या मंदिर है। मंदिर की भव्यता देखिए, हर हर महादेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मंदिर। क्या यहाँ की, पहले मैं आपको बाहर का आउटर दिखाता हूँ। बहुत सुंदर मंदिर की भव्यता देखिए यहाँ से पहले, और आपको पूरा मंदिर दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ गणपति महाराज विराजमान है। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। और वो है मंदिर का गुंबद, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये साक्षात महादेव। बहुत ही सुंदर। किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि लखनऊ आए हो तो हज़रतगंज से मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर मैं अभी से बता रहा हूँ। और मैं लखनऊ पहली बार आया हूँ अपने मित्र के पास, प्रीति पांडे के पास। उससे मैं अयोध्या भी गया था और काफ़ी जगह गया, उसने मेरे को काफ़ी कुछ दिखाया। इस समय इस वीडियो मेरे साथ में क्योंकि वो एक मीटिंग में है, सोचा मैं चलूँ। उसने मुझे बताया कि हाँ जाओ और दर्शन करके आओ, तो चलिए मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। और बहुत ही सुंदर मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। ये देखो क्या बात है, बहुत सुंदर। जय सिया, जय हनुमान। ये है गणपति महाराज। ये देखिए मंदिर की भव्यता। यहाँ सामने पवन सुत हनुमान बैठे हैं। सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, सीताराम। बहुत सुंदर, बहुत ही मनभावन। जय सियाराम, जय हनुमान। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रभु का स्वरूप, बहुत ही मनभावन दर्शन। जय सियाराम, जय हनुमान। जय सियाराम, जय हनुमान। कृपा करना मेरे मंदिर की भव्यता है, दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। बहुत ही सुंदर प्रभु का स्वरूप है। बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठ के प्रभु सबको आशीष दे रहे। सच में मन प्रसन्न हो गया आके इस सुंदर मंदिर में। और यहाँ पे तो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, जहाँ देवी देवता का भगवान का वास होता है वहाँ तो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती होती है। और मैं तो खींचता इसी हूँ, जब से प्रभु की कृपा से भक्ति लगन जागी है तब से हर धाम के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन महसूस होता है। और होती है मंदिरों में, हम बैठते नहीं हैं, मंदिर में जाके बैठना चाहिए क्योंकि उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। कौन सी, सकारात्मक प्राण प्रतिष्ठा होती है, देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो एक सकारात्मक है तो उनकी वाइब्रेशन हमें, उसका ऑरा हमें पॉजिटिव करता है, जिस कारण से हमारे अंदर की नकारात्मक जो एनर्जी है या तो ख़त्म हो जाती है। वैसे नकारात्मक एनर्जी तभी ख़त्म होगी जितना हम हरि नाम जपेंगे, जितना हरि कीर्तन करेंगे। हमारा मन शुद्ध चित्त होगा, शुद्ध होगा मन चित्त शुद्ध होगा। और जितने हम देवी देवताओं को करेंगे उस समय उतना हमें मन को शांति मिलेगी, क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब्रेशन और देवी देवता प्रभु का ही अंश है। देवी देवता मतलब जो हमें देने को बैठे हैं, क्या भौतिक सुख साधन, कैसे उनकी भक्ति करके मंत्र जप करके, और जब मंत्र जप करके वो सिद्ध हो जाते हैं तो उन देवी देवताओं को हमें मन वांछित फल देना पड़ता है। ये एक सच्चाई है, इसलिए देवी देवता से मुक्ति नहीं मिलती। देवी देवता मुक्ति का द्वार नहीं है, लेकिन देवी देवता धन दौलत सुख साधन का द्वार जरूर है। और मुक्ति का द्वार धाम है, मुक्ति का नाम है एक ही, शिव हरि का धाम, हरि का नाम। जितना हरि चिंतन करोगे, क्योंकि धरा पे, इस संपूर्ण धरा पे ब्रह्मांड में हम हैं और उन्हीं का वंश है। बहुत सुंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं हनुमान जी के अलग अलग रूप, यहाँ ध्यान भजन कीर्तन करते हुए, यहाँ सीना चीरते हुए प्रभु बैठे हुए, अपना सीना चीर के दिखा रहे। जितना हरि नाम चिंतन करोगे उतने पापों का नाश होगा, और जितना देवी देवता को चिंतन करोगे सुख साधन मिलेंगे, लेकिन वो फिर आपसे पाप कराएंगे। क्यों? क्योंकि
जब सुख साधन मिलेंगे वो प्रसन्न होकर आपको मन वांछित फल देंगे, मान पद प्रतिष्ठा, ये भी बहुत अच्छा, मान पद प्रतिष्ठा देंगे, तब आपको उस धन का, उस मान प्रतिष्ठा का घमंड आएगा। जब घमंड आएगा तो फिर आप मनमाना आचरण, मनमाना खाना, मनमाना पीना होगा, जिस कारण आपके पुण्य जल्दी जल्दी नाश होंगे। और जब आप पाप एक्टिव होंगे तो फिर उससे आपको दुखी मिलेगा, फिर आप प्रभु को याद करोगे। तो देवी देवताओं से हमें मनवांछित फल मिलता है, सुख साधन मिलता है, लेकिन साथ में दुख भी मिलते हैं, क्योंकि मनवांछित फल हमेशा दुख की ओर ही ले जाएंगे, पाप की ओर ले जाएंगे, और पाप एक्टिव होते ही हमें दुख मिलता है, ये बात आप समझ लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ से गुंबद कितना सुंदर, सुंदर प्रभु का ये गुंबद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दर्शन, कितना सुंदर लग रहा है। देखो ये प्रभु का रूप, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हर हर महादेव। ये देखिए भोले बाबा, जैसा कि ग्यारहवें प्रभु के ग्यारहवें रुद्र रूप हैं प्रभु, और भोले बाबा का ही रूप, भोले बाबा का ही अंश हैं इस धरा पे, और भोले बाबा के परम भक्त रावण रहे हैं। तो कितनी बार अंगद जी द्वारा, हनुमान जी द्वारा समझाया गया, क्योंकि भोले बाबा अपने भक्त का कभी अनर्थ नहीं चाहते, और रावण उन्हीं का भक्त था, तो चाहते थे किसी तरह भगवान राम की शरण में जाए, माता सीता को उनको सौंप दें, लेकिन नहीं माना, जो ना माने वो रावण, फिर उसका नाश हुआ, नाश में भी खैर उसके कुल का उद्धार हुआ। लेकिन कहने का मतलब ये कि भोले बाबा, बजरंगबली बाबा, ठीक है, ये कभी अपने भक्तों का अनर्थ नहीं होने देते, जिन पे प्रसन्न होते उन्हें हरी भक्ति प्रदान करते हैं, ये बात आपको पता होगी, और नहीं पता चली तो आज पता चल गई होगी, ठीक है। मुझे प्रभु की बातें करना बहुत पसंद है, पहले नहीं करता था, मैं बिल्कुल भी नहीं करता था प्रभु की बातें, ना मुझे करना पसंद था। चलिए मंदिर को अंदर से दिखाते हैं, आइए, बहुत सुंदर वाटिका बनाए रखी है मंदिर की, बहुत ही सुंदर, दंडवात करें, हर तरफ वीर हनुमान बैठे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर, इस मंदिर में भोले बाबा विराजमान, सुंदर सा, ये देखिए बाल रोड में, जय सिया राम, जय हनुमान। आइए मंदिर के पीछे की ओर चलते हैं, हर तरफ जय हो, जय सिया राम, जय हनुमान। देखिए यहाँ भी गुरु पे जय माता की बोल, साचे दरबार की, यहाँ से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हनुमंत धाम इस जगह का नाम है, हनुमंत धाम। एक रास्ता यहाँ से है जो नीचे की ओर जा रहा है, यहाँ पे झूले वगैरह रखे हैं, चलिए इस तरफ भी चलते हैं, ये भी हनुमंत धाम का हिस्सा दिख रहा है, चलिए नीचे आपको लेके चलता हूँ। एक बार यहाँ से देखिए, बहुत सुंदर हनुमंत धाम है, चलिए चलिए नीचे हनुमंत धाम की ओर, हमारे नीचे की ओर झूले वगैरह लगा रखे हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर, यहाँ भी टीका लगाने वाले बच्चे खड़े जैसे वृंदावन में खड़े होते हैं, और ये कि बहुत अच्छा है, बैठने का अरेंजमेंट है बच्चों का, नहीं बेटिया नहीं, बहुत सुंदर, यहाँ भजन कीर्तन चल रहे, क्या बात है। मंगलहारी रथ अजर बिहारी, मन अमंगलहारी द्रवहु सुदस रथ अजर बिहारी, वाकई बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। अभी मोबाइल स्टिक नहीं लाया मैं, जिससे हाथ से दूर से कैप्चर करूँ, गाड़ी में ये याद था लेकिन पता नहीं कैसे स्लिप हो गया, लेकिन चलिए फिर भी दर्शन कीजिए आप, मन प्रसन्न हो रहा है सच में। दो दिन खूब ड्राइव करी, आज कहीं जाने का मन नहीं था, अब मैं निकला हूँ आसपास के, इस मंदिर को, एक मंदिर हो रहा है वो दूर है, मैंने चलो आज देखते हैं, फिर कल तो निकल ही रहे हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए इस तरफ भी दिखाता हूँ, सही है, साउंड चला रखा है आपका, यहाँ लेक है, सामने सब कुछ लेक है, ये देखिए बहुत अच्छा फुहारा बना रखा है जैसा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा, देखिए बहुत सुंदर, यहाँ झूले भी डाल रखे हैं माता बहनों के लिए, हर कोई झूल सकता है, शाम के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, ऊपर दर्शन करो फिर यहाँ आके बैठ जाओ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मंदिर का रूप कितना सुंदर है, वही वाह, बैक साइड से देखो कितना पूरा सुंदर ही सुंदर लग रहा, बहुत सुंदर, जय हो, बहुत सुंदर।
जी जी चलिए महावीर दिखाते हैं आपको। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छी फील होती है हर मंदिर के अंदर। आपको एक बात बताता हूँ, सुनना समझना। कलयुग है, 5000 साल बीत गए। आपको एक बात बता दूँ, और 5000 साल तक इस धरती पे देवी देवता हैं अपने विग्रह में। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम, ये मेरी नहीं संतों की वाणी, कि हम मूर्ति उपासक नहीं है, हम देवी देवताओं को पूजते हैं। वो मूर्ति जब तक दुकान में है उसे पूजा नहीं जाता, लेकिन जब शिव मंदिर में पहुँचते उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। ठीक है, वो हमारे देवी देवता के रूप का स्वरूप है। ठीक है, जैसी प्राण प्रतिष्ठा होती है हमारे लिए पूजने हो जाती है। तो हम देवी देवता के पूजक हैं, उस शक्ति के पूजक हैं, उपासक हैं जो सृष्टि को चला रही है। वो है श्री कृष्ण और देवी देवता, उनके पार्षद बोल लो या विधायक हैं जो सृष्टि को संभालते हैं। इसलिए हर डिपार्टमेंट अलग है, पवन देवता अलग है, जल देवता अलग है, और माँ सरस्वती अलग है। ठीक है, तो हर विद्या की, हर एक डिपार्टमेंट के अलग देवी देवता हैं जिनसे भी सब कुछ प्राप्त होता है। ठीक है जी, तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं होता, मैं आपको अपनी खुशी कैसे बताऊं कि मैं यहाँ आके कितना खुश हूँ। देखिए सभी झूल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही भजन कीर्तन चल रहे हैं हर तरफ। देखो कितना सुंदर लग रहा है पिलड़ी। जय सियाराम, जय हनुमान। आओ जैसे चलते हैं। तो इसलिए ये बात समझ लो कि हम मूर्ति जो हमारे प्रभु के रूप का स्वरूप का प्रतीक है। ठीक है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। आपने क्या वीडियो भी देखे होंगे कि मूर्ति में, और ये हमारे संविधान में भी है, इसलिए मंदिर में मूर्ति तोड़ने का केस होता है, क्योंकि उनमें प्राण है, वो जीवित है। ठीक है, कोई मृत नहीं है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई वो जीवित है, जागृत है। और जागृत धाम तो समय कलयुग का वृंदावन ही है, जहाँ नित्य रास होता है हमारी युगल जुगल सरकार का नित्य। बस वो हमारे पास आँखें दृष्टि नहीं जो हम वो वृंदावन दे सके जो आज भी है, क्योंकि हमारे माया से, कलयुग माया की चादर हमारी आँखों पे डाले जा रहा है, और हम संसारिक भोगों में फंस कर भक्तिमान से बहुत दूर हो चुके। वरना संतों की वाणी है, जब कलयुग आया था 2500 वर्ष तक जो धरती के राजा थे उनसे ऊपर नारद जी देवी देवता धरती पर आते थे, मिलने आते थे। जैसे जैसे कलयुग का रंग चढ़ना शुरू हुआ, इंसानों पर आँखें माया में हो गई, वासना से ग्रस्त हो गया मन, और संसार को सिर्फ भौतिक सुख साधन गंदे दिखने लगा, तो शक्ति आँखों से दूर होती चली गई और माया का रंग चढ़ते ही हम अब देवी देवता को नहीं देख पाते ना वो आते। मतलब कलयुग आने के 2500 वर्ष तक राजा राजाओं से वार्तालाप करने देवी देवता नारद मुनि इस धरती पर आते थे, और 10000 वर्ष बाद ये सब कुछ खत्म थे। हरि नाम कीर्तन होगा और भयंकर होगा। अभी से सोच लो अभी क्या हाल है, समय बुरा हाल है, किस तरह से आपदा विपदा हो रही है ये कलयुग के प्रभाव के कारण। तो ये चीज़ आप समझ लो कैसे होने वाली है। तो जितना हो सके हरि का नाम जपो, जितनी मैं कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके हरि का दामन थाम लो, वरना ये कलयुग ना जाने तुमसे क्या क्या पाप करवा बैठे। चलिए बहुत सारी बातें हैं, चलिए इधर करें, बहुत सुंदर। जय हो। देखिए बहुत सुंदर, यहाँ भी मंदिर छोटे छोटे हैं, बहुत मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर। चलिए ऊपर चलते हैं, यहाँ भी कुछ है। जब आए हैं तो एक बार तसल्ली से आपको दर्शन कराई दें जिनके भी हैं। जय हो मेरे बाके बिहारी की, जय हो मेरे गोविंद गिरधारी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 हो मेरे बाके बिहारी, जय हो मेरे बाके बिहारी की, जय हो मेरे गोविंद। बैठे में हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बहुत सुंदर। हरे राम 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 हरे हरे, बहुत सुंदर। ये परिक्रमा करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस युगल जोड़ी सरकार की जितने भी हरि स्वरूप होते हैं, चाहे वो सीताराम जी, चाहे लक्ष्मी नारायण जी,
चाहे बाकी बिहारी जी मतलब नारायण रूप हरि रूप जितने भी होते हैं उनकी चार परिक्रमा होती हैं, ये बात हमेशा ठीक है जी। हरि की चार परिक्रमा होती है। थोड़ी उमस हो रही है, पसीने आ रहे हैं। देखिए ये भी कोई मंदिर है यहाँ पे, चलिए इस तरफ भी चलते हैं। छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, बहुत सुंदर जी। और देखिए वहाँ पंचमुखी हनुमान जी, कितना अच्छा लग रहा है। पंचमुखी हनुमान जी हैं, बहुत सुंदर पंचमुखी हनुमान। जय हो और पर भोले बाबा विराजमान, क्या बात है, बहुत ही सुंदर रूप। चलिए वहाँ लेके चलता हूँ, वहाँ पे क्या है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, जय सियाराम जय हनुमान। ठीक है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जय सियाराम जय हनुमान। ये देखो सेल्फी पॉइंट, कभी भगवान की तरफ पीठ नहीं करते। अब इनको कौन समझाए, इनको समझा के कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन जो भी हो, प्रभु का बहुत बहुत सुंदर प्रभु का दरबार सन हो रहा है सब मेरा देख कर। यहाँ आगे मंदिर की तरफ और यहाँ से देखिए, यहाँ लक्ष्मी नारायण जी का बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण जी का। और आइए वहाँ पे दर्शन करते हैं। यहाँ है ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। और वहाँ बैठे हुए हैं पवन सुत हनुमान जी, जो कि भजन कीर्तन कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर, हर तरफ हनुमान जी, हर तरफ ढोलक बजाते हुए या मंजीरे बजाते हुए हनुमान जी हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही मनभावन, क्या बात है। पूरा समर्पित है, पूरा समर्पित है ये हनुमान जी को। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनभावन। चलिए चलते हैं बाहर की ओर, सामने पंचमुखी हनुमान जी की तरफ। तो मित्रों ये है लखनऊ में हनुमंत धाम, जब भी आओ तो दर्शन करने करके जाना। और अच्छा लगा लखनऊ मुझे, अच्छा लगा। कल खानपुर भी गए थे, तो जब भी आओ लखनऊ में हनुमंत धाम आना। ये कहते काफ़ी प्राचीन मंदिर है, अभी इसका नवीकरण हुआ है, मतलब जीर्णोद्धार हुआ है। ठीक है जी, चलिए मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हनुमंत धाम, लखनऊ हनुमंत धाम से आप सभी को जय सियाराम जय हनुमान। और हाँ, जो भी भक्ति मार्ग पहली बार देख रहे हैं तो अभी से इस चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ठीक है जी, राधे राधे, ब्रज भास्कर राधे, जय सियाराम जय हनुमान।